तीन अध्यादेशों के विरोध में किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी। डीसी दफ्तर के बाहर किसान कर रहे नारेबाजी। किसानों का कहना है कि हम काले अंग्रेजों के काले कानून से लड़ रहे हैं। जब तक सरकार मांगे नहीं मानती धरना जारी रहेगा। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो ये धरना कर सकता है उग्र रूप धारण। किसानों की सरकार को चेतावनी, फिर भी कुछ हो सकता है। तीन अध्यादेशों के विरोध में पूरे प्रदेश में किसानों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी है। किसान अब आर पार के मूड में है। अम्बाला में भी आज दूसरे दिन किसानों ने डीसी ऑफिस के सामने धरना जारी रखते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस धरने में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। अम्बाला जिला के वाइस प्रेसिडेंट गुलाब सिंह ने कहा कि लगता नहीं कि सरकार इतनी जल्दी अध्यादेश वापस लेगी, लेकिन जब तक सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं ले लेती तो हम पीछे हटने वाले नहीं। इसके लिए किसान कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमें नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी ये अध्यादेश वापस ले, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। ये किसान और आढ़ती एसोसिएशन और बहुत संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम इस सरकार को मजबूर ना कर दें इन अध्यादेश वापस लेने, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी। हम वो देने के लिए जो बाकी संगठनों के ये मामले वापस लेना चाहती है वो सरकार के धल्ले हैं। आप मुझे बता दो, हरियाणा के अंदर नाम सिंह टूनी के ग्रुप के द्वारा कोई सड़कों पे है? पिपली कोई गया था? नहीं गया। आज हरियाणा के हर डीसी दफ्तर में गुरनाम सिंह चरूनी ग्रुप ही धरने दे रहा है। ये जो सरकार के साथ मिले हुए हैं किसान, ये किसान नहीं है, ये सरकार के धल्ले हैं। किसानों के ऊपर ये कलंक ऐसे आते हैं। हर एक किसान छोटे से बड़ा इन अध्यादेशों की वजह से अति दुखी है। किसान ही नहीं, आर्थिक दुखी है, मजदूर दुखी है, किसानी से जुड़ा हुआ हर वर्ग दुखी है। ये जो सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं किसान होने के नाते कहते हैं ये अध्यादेश किसान के हक में, हमें शर्म आती है ऐसे किसानों को। वो किसान कहलाने के हकदार। क्या चाहिए आप? हम चाहते हैं कि सरकार ये जो तुगलकी फरमान है काले कानूनों का, ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इवन मैं एक भी बात कहूँगा ये सारे देश विरोधी है। सरकार को इनको फौरी वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात पे अटल हूँ। मैं एक सिख परिवार से हूँ, एक फौजी भी हूँ, रिटायर फौजी हूँ। जो बात कह दी तो अटल है। जान चली जाए जब तक ये काले कपड़े नहीं उतारूंगा, जब तक ये सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेता। जिन किसानों के सरकार केस वापस लेना चाहती है उनको उन्होंने सरकार के दल्ले बताया। सरकार के साथ मिले किसानों को उन्होंने सरकार के दल्ले बताया, वहीं उनको किसानों पर कलंक बताया। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों से किसान से जुड़ा हर वर्ग दुखी है। उन्होंने सरकार के कानूनों को काला कानून बताया। साथ ही कहा कि जब तक सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं ले लेती तब तक काले कपड़े पहनने की प्रतिज्ञा भी की है। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मालकियत सिंह ने सरकार को तीन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने इसे सरकार द्वारा लाया गया काला कानून बताया। सिंह जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन अम्बाला। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये तीन काले कानून लेकर आई, उनको माफ किया जाए, उसे किसान को छुटकारा कराना चाहिए। और ये तो सरकार ऐसा काम हो रहा है अंग्रेजों के नीचे, अंग्रेज से भी बढ़कर। वो तो गोरे अंग्रेज थे, वो काले अंग्रेजों से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतनी तकलीफ किसान को दे रखी इन्होंने, क्या बताया। सड़कों पर किसान है, रोड पे देख लो अपने डंडे भी खाए, और फिर भी हमारा गृह मंत्री कह रहा है कोई डंडा नहीं चला। किसान जख्मी बहुत हैं, फिर भी बोल रहे हैं कोई डंडा नहीं चला। सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि तीनों देश अपनी जल्दी से कुछ कर दे, नहीं तो कड़ा आंदोलन होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सरकार के लोगों को बताया काले अंग्रेज। उन्होंने कहा कि इन्होंने किसान को बहुत तकलीफ दे रखी है। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री के लाठीचार्ज न होने वाले बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि ये अध्यादेश वापस ले, नहीं तो आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। जो फैसला होगी वार्तालाप कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट से भी कर रही है। जो फैसला होगा उसके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है डिस्ट्रिक्ट की ओर से, बड़ी शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके बैठे। ऐसा कुछ आएगा देखेंगे उसको,
और हम इनको मनाएंगे समझाएंगे। जो इनकी डिमांड है उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है कोविड की। कोविड में आज कोई भी बीमारी को स्वयं को भी ले सकता है और उनको भी चला सकता है। और आपने देखा है कि एरिया में से अम्बाला है, से पंचकूला है, से कुरुक्षेत्रा है, से पंजाब के मोहाली है, से पटियाला है, पानीपत है, करनाल है, सभी बहुत ज़्यादा केसेज आ गए। तो इस टाइम पे हमारी कोशिश यही है, हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम कोविड के ऊपर ध्यान दें और उसको जिस भी तरीके से रोक सकते हैं उसकी स्प्रेड को, उस तरह की कार्रवाई हम करते हैं।